हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का। इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करती है। एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं वो आप लोग सबसे पहले देखिए। पार्टनरशिप फॉर्म बुक्स ऑफ अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा था कि एक बिजनेस फॉर्म जो है वो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है। फिर फर्म अपना नेट प्रॉफिट फाइंड करता है। वो नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ में एड अप करवाते हैं। पर अभी क्लास 12 के अंदर में आप लोगों को ये दो चीजें तो बनानी है, उसके बाद में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये डील करता है पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम से। पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलने का है, पार्टनर्स को जो भी कुछ देने का है, वो सारा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब दिखाए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में पार्टनर से रिलेटेड खर्चे जो हैं, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं, वो आते हैं। जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये सारी चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में दिखाते हैं। ये दिखाने के बाद में हम लोगों का जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो ट्रांसफर हो जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में, और फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया था क्लास 11 के अंदर में, पर अभी आप लोगों को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीजें आप लोगों को नहीं बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों आप लोगों को नहीं बनाना रहेगा। आप लोगों को नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, वो नेट प्रॉफिट आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोल करके स्टार्ट करोगे पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, और फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट बनाओगे। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम पर्पज के लिए। आप लोगों को सिर्फ ये तीन ही बनाना रहेगा। अब आप लोग देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म जो है इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड मेंशन किए हुए हैं। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप एक्ट को वायलेट नहीं कर सकती है। एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पार्टनर्स के बीच में जो एक अग्रीमेंट प्रिपेयर करती है, उस अग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एज पर द लॉ, बट पार्टनरशिप डीड इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं हो उसको अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाती है। इस पार्टनरशिप डीड के अंदर में सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि पार्टनर्स के बीच में जो है वो कैसा रिलेशनशिप रहेगा, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने का है, कितना कमीशन मिलने का है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस पर चार्ज किया जाएगा, ये सारा चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखा हुआ रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो उस सिचुएशन के अंदर में पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल करेगा। वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी आइटम के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया या पार्टनरशिप डीड में उस टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल करता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड जो है, एक पार्टनरशिप डीड is not present or terms and conditions
टर्म्स एंड कंडीशंस नॉट स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड अबाउट दी फॉलोइंग, अगर इन सारी चीजों के बारे में जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे करके किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो आइटम आ रहा है वो आप लोगों का आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आप लोगों का सबसे फर्स्ट आइटम जो है इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों का सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग की है तो उस ड्रॉइंग के ऊपर में पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं ये देखना पड़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी जो है वो पार्टनर के ऊपर में नहीं चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो पार्टनर के बीच में इक्वली रहेगा। इक्वली रहने का मतलब क्या है, कोई भी पार्टनर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मांग सकता है, ईच पार्टनर हैज टू बी पेड इक्वल प्रॉफिट। कोई और रेम्यूनरेशन, जैसे पार्टनर्स लोग, कई बार होता है कि कुछ पार्टनर्स लोग जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, वो अपने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए दे मे वांट कि हम लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए या हमें कुछ कमीशन मिलना चाहिए, तो वो भी कुछ नहीं दिया जाएगा। एनी अदर रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। अब उसके बाद में आ जाता है आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहता है वो पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप फर्म को लोन, उस लोन के रिस्पेक्ट में पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तब भी पार्टनर को जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फर्म को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, नॉट अलाउड, पर अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर में इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। आई होप यहां तक का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे के पार्ट में मैं आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा।